ये कौन है जिसने बिना मेरी अनुमति के यहाँ पर दाह संस्कार करने की हिम्मत की है? पिया जी कहिए, मैं आपकी पत्नी तारा हूँ और आप जिस लाश के बारे में पूछ रहे हैं वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने पुत्र रोहतास की लाश है। कैसा पिया, कैसा भरतार, कैसी पत्नी और कैसा पुत्र! मेरा इस संसार में किसी से कोई रिश्ता नाता बाकी नहीं। पिया जी, आपके मानने या ना मानने से इस सृष्टि का विधान नहीं बदल जाएगा, क्योंकि जो सत्य वह सदा अटल सत्य। सृष्टि के विधान के अनुसार मैं एक बंदी की नौकरी करता हूँ यहाँ पर कर वसूल करने की, और सृष्टि के विधान के अनुसार तू एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती है। सृष्टि का विधान नौकर और मालिक के बीच का है, सृष्टि का विधान किसी गैर रिश्तेदार का नहीं। पिया जी कहिए, शायद आप एक रिश्ते को भूल रहे हैं कि आप रोहतास के पिता भी हैं। पिता था लेकिन अब नहीं। जिस चीज को अपने हाथ से बेच दिया जाए स्वामी का, उस पर कोई स्वामित्व बाकी नहीं रहता, और मैंने रोहतास को और तुझे अपने हाथों से काशी नगरी में बेचा। मेरी बात सुन लीजिए पिया, कहिए अपनी बात। जमावे पिया रानी तेरी में सुरानी तेरी में वारे जमाने आज क्या खेल मेरे सामने खड़ा है। आज रानी बनकर मेरे सामने खड़ी हुई है। एक दिन मैंने तुझसे कहा था कि 30 दिन मुझे अन्न का ग्रास ग्रहण किए होंगे, मेरे शरीर में सामर्थ नहीं है घड़े को उठाने की। उस समय मिश्रानी बनकर मेरे सामने खड़ी हुई, तू इस वक्त को भी याद कर। पिया जी कहिए, मुझे वक्त याद है और वक्त की एक एक बात भी याद है, और मैं आपको उस बात के साथ साथ एक बात और भी याद दिलाती हूँ कि आपने तो अपने सत्य के कारण, अपने धर्म के कारण अपनी पत्नी और पुत्र को खुद के साथ काशी में बेच दिया था। हाँ। अगर मैं आपके घड़े को हाथ लगा देती तो सारा जमाना कहता कि तारा ने पति के मोह में आकर अपना धर्म हटा दिया। पिया जी, ये सारा जमाना मेरे सामने है, मुझे भी इस जमाने को जवाब देना है। अगर मैंने बिना कर लिए यहाँ पर दाह संस्कार करने दिया तो फिर मुझसे भी ये जमाना जवाब ले सकता है। सुनिए मेरी माँ, कहिए अपनी बात। जोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में, जोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी पहचाने से इनकार कर रहे हैं। मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ, बार बार संकेत दे रहा हूँ कि ना तो मैं तेरा पिया हूँ ना भरतार हूँ, मैं तो एक नौकर हूँ। नौकर बिल्कुल तो मुझे बार बार त्रिया चरित्र दिखाकर पिया भरतार कहकर संबोधित ना कर। मेरा और तेरा रिश्ता केवल एक ग्राहक और दुकानदार की तरह, और ना मैं राजा हूँ ना ही कोई स्वामी, केवल अपने मालिक का नौकर हूँ। अपनी बात कह, सुनी मेरी बात। हाँ जी, मिश्रानी सत्संगी हूँ, तू कहती न घड़ाई उठाऊं, मिश्रानी सत्संगी हूँ।
समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। और घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। आज मुझ पर मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि मेरा एक ही सहारा था, आज मुझसे वो भी दूर हो गया। मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन मेरा साथ आज किसी ने नहीं दिया। वक्त पड़े पर आज आपने भी मुझे पहचाने से इनकार कर दिया। इस मरघट का जो नियम है वो कर वसूल करने का है। मैं बिना कर लिए यहाँ पर तुझे दाह संस्कार नहीं करने दूंगा, चाहे एक बार कहे या लाख बार कहे। पिया जी, मुझे मेरा 125 चाहिए। आज आप मुझसे इतनी कड़वी बातें कर रहे हैं जिनको सुनकर मेरा कलेजा फटने को आ रहा है। चाहे जो भी हो, एक बार सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय हो सकता है, एक बार मृत्यु अपना रास्ता बदल सकती है, लेकिन ये धर्म के कगार में रगा हरिश्चंद अपना रास्ता कदापि नहीं बदल सकता। कहिए अपनी बात। मेरी बात। हाँ जी, कैसे जलाओ कुल्की, निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। और घाट पे समझ क्या सही कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमा वे पिया, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। Thank you.
भैया जी कहिए। अगर धर्म की ही बात है कि अगर मैं आपको कर नहीं दूंगी तो आपके धर्म पर बट्टा लग जाएगा, तो पिया जी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे मेरे कर के रूप में जो कुछ तेरे पास हो सो सौंप दे, जरूरत नहीं है और फालतू बात की। सुनिए मेरी बात। कहिए पिया। हाँ जी उसी ढाल से रही है तू, वो जिस ढाल रखे परमेश्वरी उसी ढाल से रही है तू। सब पर जाकर लाग जा ऐसे छंद बनाई है तू, और नई बस्ती गुरु धाम जयकिरण छंद रोज के गई है तू, वो नई बस्ती गुरु धाम जयकिरण छंद रोज के गई है तू। गुरु शरण दास जानो शरण दास जानो सेवा ठाणी तेरी में ठाणी तेरी में बात पे समझ गया सारी कहानी तेरी।